XML, सोशल मीडिया एप्स वगैरह में और बेशुमार जगहों पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। इसको करने का मकसद ये है, आपका डाटा अमूमन बल्क में होता है, दूसरी कंपनी आपको अपनी डेटाबेस की एक्सेस नहीं देती, डेटाबेस की एक्सेस नहीं देते, और आपने उसकी डेटाबेस से डाटा एक्सेस करना है। जरा सोचिए आप क्या करेंगे, डेटाबेस की एक्सेस भी नहीं दे रही और डाटा भी चाहिए। एग्जाम्पल यूज करें, डेटाबेस की एक्सेस वो आपको कैसे दे सकती है, उसके यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, उसका सर्वर है, सी पैनल है। इन तमाम प्रॉब्लम्स के हल के लिए एग्जाम्पल। दूसरा यह कि डाटा एक फॉर्म में है, ये बात मैंने नहीं लिखी, एक फॉर्म में है, उसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना इंटरमीडिएटली एक्सएमएल यूज होती है। नंबर थ्री, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, तमाम के तमाम, ये तमाम आरएसएस यूज करते हैं, फिर यहां पर लिखा भी ये आपकी नोट्स की फाइल में, जो आरएसएस की मैंने बात की, ये तमाम बेसिकली न्यूज अलर्ट्स, न्यूज चैनल्स होते हैं, जितने भी हैं तमाम आरएसएस लिखा हुआ नजर भी आ रहा होता है, ये तमाम यूज करते हैं, इसकी स्पेसिफाइड फॉर्म है। तो इन तमाम चीजों की अहमियत के बाद हम सिंपल एक एग्जाम्पल की फाइल क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन मार्क, एग्जाम्पल स्टार्ट होगी, क्वेश्चन मार्क पे एंड हो जाएगी, वर्जन जो चल रहा है इसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगी। इसका रूट टैग होगा, एक पैरेंट टैग होगा, एक ऐसा पैरेंट जो रूट भी होगा। लेट से आपकी कोई क्लास है, आप उसका डाटा देना है, क्लास का स्टार्ट
और ये क्लास का एंड हो जाएगा। अपनी मर्जी की आप टैग्स देंगे जो आपका दिल करेगा। अब उसके अंदर आपने स्टूडेंट का डाटा देना, लेट्स से ये स्टूडेंट का स्टार्ट और ये स्टूडेंट का एंड हो जाएगा। अब इस स्टूडेंट के अंदर वही पुराने एट्रीब्यूट है जो हमेशा से हम यूज करते हैं कि रोल नंबर, रोल नंबर का स्टार्ट और रोल नंबर का एंड। इसके अंदर रोल नंबर का डाटा दे दें 1, ऐसे ही नेम का स्टार्ट और नेम का एंड, नेम जो भी है दे दें, और मार्क्स का स्टार्ट और मार्क्स का एंड, ये आपने उसके मार्क्स दे दिए। ये पहले स्टूडेंट का डाटा आ गया। हमने इस वाली फाइल को सेव किया और लोकल आपका जो था या आपकी एग्जाम्पल की फाइल जो इसको रन करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ हमने लिखा था वो एज इट इज नजर आया, लेकिन उसमें एक नई बात नजर आई कि इसमें हमें एरो साइंस नजर आए, तो पता चला इसने एग्जाम्पल को पढ़ा है। इसके अंदर एक इसका डीटीडी होता है, डाटा डेफिनेशन, वो हमने नहीं दिया, अभी नहीं देना, पढ़ना भी नहीं है, जरूरत नहीं है, हमें से अपने अपने हद तक पढ़ना है, उसमें फिर बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। कि वही बता रहे हैं डीटीडी नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल ठीक है, इसको रेंडर कर रहा है, एग्जाम्पल रन करने को रेंडर करना कहते हैं, इसको रेंडरिंग कर रहा है इसकी, ठीक हो गया। अब एक स्टूडेंट का डाटा आ गया, अब हम इसी स्टूडेंट को हमने लेट से कॉपी किया और ये हमने इसको दोबारा पेस्ट कर दिया रोल नंबर 1, ऐसे ही नेक्स्ट हमने कोई डाटा, मैं जब रिफ्रेश किया तो मैंने देखा कि उसने हर एक टैग को, हर एक पैरेंट को, ये रूट टैग था, उसके बाद तमाम तरह स्टूडेंट्स को वो अलहदा से, ये जो ट्री स्ट्रक्चर में फैन इन और फैन आउट होता है, इसको एक्सपैंड कर रहा है, उसको वो इंटरप्रेट कर रहा है कि ये आपकी एग्जाम्पल है, कि दिखाने की हद तक आपको है। अब ये एग्जाम्पल की फाइल तो बन गई है, मैं बनाना भी आ गया, कुछ भी बना सकते हैं, जो मर्जी टैग्स के नाम दीजिए। अब अगला काम यह है कि पीएचपी के थ्रू हमें इस फाइल को रीड कैसे करना है, पीएचपी के थ्रू। तो पीएचपी के थ्रू हमें इसको रीड करने के लिए हमें अपना पीएचपी का स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। इसको आप रीड एग्जाम्पल डॉट पीएचपी मैंने फाइल का नाम दिया, उस वाली फाइल की एक्सटेंशन डॉट पीएचपी डॉट एग्जाम्पल थी, इसकी एक्सटेंशन डॉट पीएचपी है क्योंकि ये पीएचपी की फाइल है। इसको रीड करने के लिए हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल लोड फाइल का फंक्शन है, जो फाइल रीड करनी है उसका आप नेम दे दें। हमने जो फाइल अभी बनाई थी उसका नाम था माय एग्जाम्पल फाइल डॉट एग्जाम्पल, जी मैंने फाइल अभी बनाई थी, इसको किसी वेरिएबल में दे दें, वेरिएबल का नाम भी आप एग्जाम्पल ही रख लें ताकि आपको याद रहे, $$, डॉलर का मतलब कोई वेरिएबल है, एग्जाम्पल। इस वक्त इस वेरिएबल के अंदर पूरी फाइल आ चुकी है, जिस तरह हम लिखते थे MySQL i_query, ये लिखते ही पूरा टेबल रिजल्ट में आ जाता था, ये फंक्शन कॉल करते ही पूरी फाइल। अब इस फाइल को रीड करने आने के बाद रीड करने एक बार इसको रन करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए कोई जाहिर आउटपुट इको नहीं आया, लेकिन एरर भी नहीं आया, इसका मतलब है काम ठीक है। अब इसके अंदर हमें फाइल को रीड करना है, जो पहला एट्रीब्यूट था डॉलर एग्जाम्पल, पहला एट्रीब्यूट था पहला स्टूडेंट, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट जो पहला है वो अरे बना दिया, पहला स्टूडेंट अरे ऑफ जीरो, ये मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर जो मेरी रूट टैग है मैंने वो लिख दी,
अब हमने इसको इको करना है, आइए इसको हम गलत इसके बीच में हमें मालूम नहीं है क्या आएगा, तो हम इसको एज इट इज लिख के देखते हैं, एक एक्सेप्शन हासिल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसको समझ नहीं आया, हमने इसके अंदर ऐसे कर दिया एक एरो साइन के साथ। आइए इसके साथ इसके साथ हमने देखा हमारा एरर तो खत्म हो गया, लेकिन अब हम इसके बाद हमारे पास रोल नंबर था, हम इसमें काम करते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 1 आ गया नजर, हम खुश हो गए, हमने इसको फौरन कॉपी किया और हमने इसको पेस्ट करके यहां क्या लिख दिया, नेम, कॉपी करके पेस्ट किया, नेम भी आ गया, मैं फौरन इसको कॉपी किया और पेस्ट किया और मार्क्स, तो मार्क्स भी आ गए, पहला वाला जो रिकॉर्ड था वो फेच हो गया। इसको सेंटर वगैरह करना, सब कुछ करना, वो आपको तो आता ही है, सेंटर लिख देंगे, कर लेंगे सब कुछ, जाहिर सी बात है, इतना तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये तो इशू नहीं आपके लिए। आपने एक्सएमएल की फाइल को सक्सेसफुली बताइए, अब मैंने आपसे कहा आपने ना पहला रिकॉर्ड हिट किया जो कि अरे में जीरो इंडेक्स पे था, अगर आपने दूसरा करना हो तो बता सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ सेकंड वाले का नेम सिर्फ रीड करना है, तो आप कैसे करेंगे बता सकते हैं, सेकंड वाला अरे का वन इंडेक्स होगा जिसका अगर सिर्फ नेम करना है, नेम। अब आपने इसको सेव करके रन किया तो आपने देखा उसका नेम आ गया, जाहिर सी बात है आपने इसको ब्रेक देना है, कुछ भी करना है, तो इसके साथ स्ट्रिंग कंकैटिनेट करनी आपको करनी आती है, पीएचपी तो हमें आती ही है, यहाँ पे लेट से आप बी आर लिख दो तो ब्रेक आ जाएगा, ये देखें ब्रेक आ गया, सही है। तो यहाँ पर हमें ब्रेक खैर चाहिए ही नहीं था, मालूमात के लिए किया था, हमें अगर ब्रेक वगैरह कुछ चाहिए तो थर्ड के बाद चाहिए, डॉर डॉट डॉट के बाद एच आर कर दे, मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर खूबसूरत लगेगा कि पहला रिकॉर्ड आ गया, अब दूसरा आ गया, सही है। अब आप लोग इस काबिल हैं कि कोई भी रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं, बताइए, नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो फाइल बनाई थी उसमें आप लेट से थर्ड के मार्क्स रीड करना चाहें तो कर लेंगे, आसान है। थर्ड का मतलब इंडेक्स अरे में कितना होगा, उसका अरे का इंडेक्स होगा थर्ड है तो 2 होगा ना, और नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, मार्क्स, आगे मार्क्स देखिए 80 थे, कहां गए ये 80 मार्क्स, क्लियर हो गया, बोलिए। अब आप ने मुझसे एक सवाल किया, यहां तक ये बात कंप्लीट हो चुकी है जो मैंने कर दी थी, आपने मुझसे सवाल किया सर ये क्या बात हुई, अगर 1000 रिकॉर्ड्स हो, 1000, तो क्या हम 1000 टाइम कॉपी पेस्ट करेंगे, कहीं अब लूप चला लें, तो लूप लगाने के लिए, लूप चलाने के लिए हम इस फाइल को सेव रखते हैं ताकि हमें नेक्स्ट फ्यूचर में मिल जाए, फाइल करने के बाद हम लूप चलाते हैं, वाइल, वाइल का स्टार्ट और इसका एंड, हमारे पास जिसमें डाटा पड़ा है उसका नाम है एक्सएमएल, इसका एक फंक्शन है हमारे पास चिल्ड्रन, ये फंक्शन कॉल कर लिया, अब मैं लिखा एज, ये फंक्शन आपने आज से पहले शायद ना पढ़ा हो, एज वाला फंक्शन न्यू लैंग्वेजेस में है, आपने शायद अगर सी वगैरह में ये है ही नहीं, जावा में आया है, पीएचपी में आया है फंक्शन, इसमें ऐसा होता है कि जो आपका अरे टाइप वेरिएबल होता है, अरे इसमें सारे डाटा वो लिखते हैं आप, उसके बाद एज करने के बाद कोई भी अपना वेरिएबल जो दिल करे डिफाइन कर दें, चूंकि मेरे स्टूडेंट है मैं लिख दूंगा डॉलर एस टी यू, स्टूडेंट कर देता हूँ लेट से, अब एस टी यू के अंदर जब पहली दफा लूप चलेगा तो पहले स्टूडेंट का डाटा आएगा,
जब दूसरे पर लूप चलाएगा तो दूसरा स्टोर का डेटा आएगा। बात समझ आ रही है? अब एस टी यू के इसका फर्स्ट टाइम क्या पड़ा हुआ है? फर्स्ट रोल कार्ड। अब अगर मैं डॉलर एस टी यू ऑफ ऐसे करके रोल नंबर लिख दूं तो क्या ख्याल है? फर्स्ट टाइम पहले का रोल नंबर प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम क्लियर है। चलिए मैं जो बात कही है मैं एज इट इज इसको रन करने की कोशिश करता हूं। मैंने फाइल किस नाम से सेव की है? रीड एक्सएमएल 2.php। वो मैंने ये देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ मैंने लिखने में कोई ऐसी गलती की है। तो कहाँ पे एरर दे रहे हैं? एज एस टी अच्छा मजे की बात है कि एज में मसला नहीं है, मसला शायद इधर है। चिल्ड्रन इसको आप ऐसे कर दें, लूप ही चेंज कर दें, फॉर इच कर लूप चेंज कर दें, वाइल के बजाय इसका सिंटैक्स चेंज करके फॉर ईच, ताकि इसका ये एज का इशू हल हो जाए। इसमें बाकी सब कुछ ठीक है। डॉलर चिल्ड्रन कुछ ला के देखते हैं। 1, 2, 3 तीनों रोल नंबर एक्सेस हो गए। अब रोल नंबर आपने एक्सेस कर लिया तो अब आप डेफिनेट सी बात है कि आप दोबारा बोलिए। समझ नहीं आया मुझे आपको। हाँ इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जनाब आप सिर्फ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करना है, उसके लिए हमें पढ़ा ही है, देखिए कैसे करना, स्पेसिफिक किसी आइटम पे जाना है तो लूप ना लगाएं। सॉरी अच्छा मैंने सेव एज कर ली थी। अगर आपने स्पेसिफिक किसी आइटम पर जाना है तो डायरेक्ट, और अगर आपने पूरी फाइल आइट्रेट करनी है तो फॉर ईच का लूप लगा दें, इससे यह होगा कि पूरी फाइल रीड हो जाएगी। फॉर ईच सेम यही सिंटैक्स जावा में है, आजकल जो नई लैंग्वेजेस आ रही हैं उसमें है। XML read हमने कर ली सक्सेसफुली। ओके इसमें एक चीज और नोट करते हैं। थोड़ा सा मजीद इसमें एक चीज है वो देख लें फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल की फाइल थी, इसमें जो नई बात मजीद है, एग्जाम्पल ओपन करते हैं, इसके अंदर अगर उसने लेट्स से कोई एट्रीब्यूट दिया हुआ है जैसे मार्क्स हैं, उसमें उसने सब्जेक्ट्स दिया हुआ है। सब्जेक्ट वेब आपने दे दिया, ये मार्क्स वेब के हैं। यहां पर आपने लेट से कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई और जैसे डेटाबेस सब्जेक्ट दे दिया, तो
अब आपने यहाँ पर सब्जेक्ट भी अगर आपने जो फाइल बनाई थी रीड एग्जाम्पल डॉट पी एच पी, अगर आप इसमें जैसे कि इसका डाटा भी हम शो कर लेते हैं, ये देखिए, तो इसके इस डाटा में अगर हमने ये सब मार्क्स जीरो के हम मार्क्स शो करते हैं, जस्ट देखते हैं क्या नजर आता है, जीरो 100 मार्क्स नजर आ गए। अब हमने इसके मार्क्स के साथ इसका सब्जेक्ट शो करना था, तो हम यहां पर अगर सब्जेक्ट लिख दें एस यू बी, तो हमने देखा कि इसका हमें सब्जेक्ट नजर आ रहा है, शो हो गया। तो अगर हमें किसी एट्रीब्यूट को शो करना है, जैसा कि एक्सएमएल की फाइल में जैसा कि आपने एट्रीब्यूट शो करना है वेब, अगर मार्क्स शो करने हैं तो उसका भी मैं लिख देता हूं दोनों का साथ साथ, ताकि हमें याद रह जाए। ये देखिए, ये दोनों में डिफरेंस है, अब दोनों शो हो जाएंगे। तरीका ये कि दोबारा एरो साइन नहीं आएगा, ऐसे दोबारा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये उसका चाइल्ड वगैरह कुछ नहीं है, बल्कि जस्ट उसका एट्रीब्यूट है, इसलिए। ओके हो गया, देखिए बाहर क्लास